नमस्कार दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा जो गैस की समस्या होती है, जो गैस पेट में हो जाती है, उसका कारण क्या है और उसका घरेलू इलाज क्या है, वो बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें और लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ताजे अदरक की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कभी भी जो है आपको गैस की समस्या होती है तो जो है आप जो है अदरक ले लीजिए और अदरक को बढ़िया जो है कोई भी ताज़ा अदरक ले लीजिए, जैसे कि आप देख ही रहेंगे। अब इसको हम छील लेंगे, इस तरह से छील लेंगे, अच्छे से निकाल लेंगे छिलका। तो जो है गैस की समस्या आम होती है, अगर आप खाना खाएंगे तो भी गैस होगी और खाली पेट रहेंगे तो भी गैस होगी। तो इसका जो उपाय बिल्कुल आसान है और बहुत ही कारगर है, आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अदरक बिल्कुल ताज़ा है और ताज़ा अदरक लेना है, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उसको हम छील लेते हैं और छीलने के बाद हम इसे बारीक हम काट लेते हैं स्लाइस। जिसके आप देख रहे हैं दोस्तों, अदरक जो है वो बहुत ही काम की चीज़ होती है। अगर आप इस तरह से अदरक खाते हैं तो आप, अगर आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है तो ये बहुत ही कारगर है। तो हम जो इसको इसमें डाल देंगे, देखिए, और इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल देंगे, इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए तैयार हो गया हमारा। अब कुछ नहीं करना, जब भी खाना वाना खाना के बाद जो है आप अदरक खा लें, और जब आपको गैस ऐसा लगे कि खाली पेट से हो गया तो भी एक छोटा टुकड़ा खा लें, तो इससे जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी छोटी आंत में गैस भर गई है तो आप इसी को खाइए, आपकी जो गैस से आपको राहत मिलेगी। वज्रासन कीजिए तो आपको जो बहुत फ़ायदा होगा, जब भी खाना खाने के बाद आप वज्रासन जरूर करें 5 से 10 मिनट, इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अदरक तो कमाल की चीज़ है, अगर आपको सर्दी खांसी कफ हो गया है तो आप इसको खा लीजिए, तो जो है आपको जो बहुत ही फ़ायदा होगा। तो ये कमाल की चीज़ है, कभी भी खा सकते हैं। अगला उपाय मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यह है अजवाइन और ये ज़बरदस्त चीज़ है। इसको करना क्या, आपको हल्का सा रोस्ट करके रख देना है और जब भी आप खाना खा लें, खाना खाने के बाद आपको करीब ये इतना आधा चम्मच के आसपास खाइए, इससे ज़बरदस्त फायदा है। अगर आपके सीने में जलन हो रही है खाना खाने के बाद तो इसको खा लीजिए, बिल्कुल जो है सीने की जलन वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा पाचन तंत्र अगर आपका ख़राब है, इससे राहत मिलेगी, गैस तो पूरी आपकी रिलीज हो जाएगी। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, अजवाइन ज़रूर खाएं, एसिडिटी से बहुत ही राहत मिलती है। इसके अलावा आपका हाजमा भी ठीक हो जाएगा, उल्टी दस्त हो तो आप खा लीजिए, अगर पेट में दर्द है तो खा लीजिए, तो बहुत कमाल की चीज़ है। सर्दी जुकाम में भी अजवाइन बहुत ही फायदेमंद है, खांसी और बुखार में भी आप अजवाइन खा सकते हैं आधा चम्मच। अगर पेट में कीड़ा हो गया तो भी फायदेमंद है। तो थोड़ा सा आपको अजवाइन खाना है और कई सारे फायदे हैं, तो इससे आपके गैस की समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए, ये है लौंग, कमाल की चीज़ है। अगर आपको गैस एसिडिटी हो जाए, एक या दो लौंग आप खा लीजिए, एक लौंग मुंह में रख लीजिए, कमाल की चीज़ है, बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ये खाते हैं तो आँखों से संबंधित कोई बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। लौंग तो ज़बरदस्त चीज़ है, अगर दांत में अगर दर्द दे रहा है एक लौंग दबा लीजिए, ये खाना खाने के बाद आपको खाना है, इससे एसिडिटी गैस नहीं होगी। तो आप कुछ कभी भी आप जो है एक लौंग रख लीजिए मुँह में, बहुत फ़ायदा है। बलगम की समस्या है, उससे राहत मिल जाएगी आपको, बहुत ही बढ़िया है। मुँह में बदबू आ रही है तो एक लौंग खा लीजिए, बदबू आना बंद हो जाएगा। जी में चल रहा है इसको खा लीजिए, अपच की समस्या है इसको खा लीजिए, लौंग को एक लौंग खाएंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। पेट में गैस होगी, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि अगर गैस से संबंधित समस्या है तो इसको ज़रूर एक लौंग खा लें, खाना खाने के बाद निश्चित ही राहत मिलेगी। दोस्तों ये है जीरा, अगर कभी भी आपको अचानक से गैस हो जाए तो क्या करें, दो चार जो है तुरंत जो है दो चार दाने जो इसको अच्छे से चबा लें जो है जीरे को, तो इससे जो है बहुत ही फायदा होगा, आपकी गैस पूरी रिलीज हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं इसको कैसे, अगर जैसे कि है तो अचानक से अगर कभी स्थिति आई है ऐसे तो आप करें, इसको हल्का भून लें, रोस्ट करके रख लें और इसको खाना है आपको आधा चम्मच खाना खाने के बाद, ये देखिए इतना,
तो इसको कर लें, पेट और पाचन से संबंधित जो भी आपकी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। अपच, पेट दर्द, डायरिया, इन सब में आपको राहत मिलेगी। आधा चम्मच खाते हैं तो खाना, खाना क्या है, अगर ऐसा खा लीजिए पानी के साथ खाना, पानी के साथ खा लीजिए, बहुत ही फायदा करेगा। छोटे हाथ की गैस हो या फिर पेट का दर्द हो, जीरा खा लीजिए भुना हुआ, बहुत ही फायदा करेगा। जिन लोगों को खून की कमी है वो भी जीरा आधा चम्मच खा लें, इससे खून आपका बढ़ेगा। आयरन और कैल्शियम से भरपूर है जीरा, तो इसको जो है गर्भवती महिलाएं जरूर खाएं, थोड़ा सा खाएं, ज़्यादा ना खाएं, खाली आधा चम्मच के आसपास खाना खाने के बाद हल्का भुना हुआ खा लें। वजन कम करना है जिनको वो जीरा खा लें, तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, हड्डियों को मजबूत करता है जीरा, तो जीरा खाएं। इसमें विटामिन ए और विटामिन बी 12 होता है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो आधा चम्मच जीरा खाइए, गैस से बचिए और वज्रासन जरूर करें। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं काली मिर्च, तो बहुत बढ़िया है काली मिर्च, एक से दो दाना आप खा सकते हैं, कभी भी खाइए। इसको खाने से आपको पाचन से संबंधित जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। काली मिर्च बहुत ही कमाल की चीज़ है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा आगे कि कुछ चीज़ों में ये काफ़ी कारगर होता है, तो पाचन की क्रिया बहुत बढ़िया करते हैं, गैस, कब्ज और अपच से छुटकारा मिल जाता है। काली मिर्च आप खाइए, दो से तीन दाना खाइए, बहुत फ़ायदा होगा। काली मिर्च जो है सर्दी जुकाम में भी राहत दिलाता है, तो अगर सर्दी जुकाम है तो खा लीजिए। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो है आप जो है वज्रासन जरूर करें, इसको खाने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, बहुत ही कमाल की चीज़, बहुत ही कमाल की चीज़ है दोस्तों, इसको ज़रूर खाइए। काली मिर्च जो है बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ, जब भी आप छोले बनाएं, राजमा बनाएं या काले चने बनाएं, तो उसमें जो है आप लौंग और काली मिर्च ज़रूर डालें। इसको डालने से आपको जो है उससे खाने से जो है आपको गैस होगी पेट में, वो गैस नहीं होगी, ये कमाल की चीज़ है दोस्तों, इसको ज़रूर डालें अपने इसमें और जो है आप इसको खाइए, आपको गैस नहीं होगी। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो दोस्तों मैंने आपको कई उपाय बताए हैं, इसमें से कोई भी एक उपाय को आप इस्तेमाल कर लीजिए, गैस से संबंधित आपको कभी समस्या नहीं आएगी। तो वज्रासन ज़रूर करें खाना खाने के बाद, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाली पेट भी गैस हो जाती है, तो भी आप जो है ध्यान रखें, कुछ खा लें और कुछ फिर इसके बाद हल्का फुल्का कोई चीज़, कोई भी एक चीज़ को इस्तेमाल करना, सारी की सारी नहीं करनी है, कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल करें, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार मांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।